हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। बेसिकली लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो वेक्टर्स में लीनियर डिपेंडेंस किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस जो होता है वो हमारे पास, हमने डिफाइन किया था, इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, हम लेक्चर वाइज पढ़ रहे हैं। डिफाइन स्पेन ऑफ द वेक्टर्स, स्पेन ऑफ द वेक्टर्स b1 b2 b3 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हमने कहा था कि ये जो है वो स्पेन है, यानी कि बेसिकली x बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ दीज v1 v2 डॉट और vn इम्प्लाई दैट x जो है वो इस v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड बी डिनोट दिस बाई स्पेन v1 v2 डॉट vn। दस इफ एक्स बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ v1 v2 vn, देन बाई डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, एग्जिस्ट स्केलर t1 t2 डॉट tn, सच दैट कि एक्स को इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता हो मैं। अब लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस कब होते हैं फ्रेंड्स? तो बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, अब बेसिकली जैसे कि ये वेक्टर है, इसको इसके लीनियर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये डायरेक्टली लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसके लीनियर फॉर्म में लिखा जा सकता है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ से पहले हम लीनियरली डिपेंडेंस की फॉर्म पढ़ते हैं। आ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 डॉट डॉट vn इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम vj कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, यानी कोई vj जो है इनमें से उसको हम और इसके अलावा जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो वीजे जो होना चाहिए, वीजे बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ v1 डॉट डॉट vj-1 vj+1 to vn। इफ v1 v2 डॉट डॉट vn इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी से दैट, अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है यानी कि इसी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि जो v1 v2 डॉट डॉट vn जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंसिडर द वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 सो दैट दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये शो करना है। तो अब यहाँ पे तो हम क्लियरली देख सकते हैं 2v1 + v3, 2v1 यानी इन दोनों का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके v1 + v3 करें तो ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि 2v1 + v3 इक्वल टू v2, तो इसका मतलब हमारे पास हम v2 को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम v1 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से v1 बराबर क्या जाएगा, 1/2 v2 - v3, और सारे टर्म्स को लिख सकते हैं, अगर एक को लिख सकते हैं तो सारे टर्म्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक ऐसे सॉल्यूशन आ गई है, सॉल्यूशन की कह सकते हैं हम 2v1 - v2 + v3 = 0। तो यहाँ से लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस की एक अलग से डेफिनेशन बन के आती है। वो डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, सपोज कि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं v1 डॉट डॉट vn, ये वेक्टर्स हैं, तो उस कंडीशन में हम x1v1 + x2v2 + .xnvn = 0 सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, और अगर इसका हमें ट्रेवल सॉल्यूशन आए, ट्रेवल सॉल्यूशन यानी कि xi ऑल 0 आए और तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो, सॉरी, ये जो v1 v2 डॉट डॉट vn जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। बट अगर हमारे पास एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाता है, xi एक भी नॉन जीरो हो जाता है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो नॉन इंडिपेंड जो सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, सॉरी वेक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ चुकी है, एक रिलेशन आ चुका है। तो एक यहाँ से जो कि हमने यहाँ पे भी शो किया है, ये जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 डॉट डॉट vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ 0 कैन बी रिटन इफ एंड ओनली इफ एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 डॉट डॉट vn, इन अदर वर्ड इफ
ये हमारे पास तब जब इसके सिर्फ ट्रेवल सॉल्यूशन है, T1 से TN जो है सारे 0 हो। इस थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज कि इफ B1 B2 डॉट BN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन एवरी वेक्टर X बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ B1 डॉट BN कैन बी रिटन यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 B2 डॉट डॉट BN, एंड दिस अप्लाइज दैट टू द पर्टिकुलर केस टू जीरो की तरफ टेंड्स करना चाहिए। नाउ अज्यूम दैट जीरो कैन बी रिटन यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 B2 डॉट डॉट BN, तो उस कंडीशन में हमें इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं T1 B1 प्लस T2 B2 डॉट डॉट TN VN इक्वल टू 0। तो देन T1 बराबर T2 बराबर TN बराबर 0। नाउ टेक एनी एक्स बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ V1 V2 VN एंड सपोज दैट देयर आर टू वे टू राइट एक्स इन टर्म ऑफ V1 V2 डॉट डॉट VN। तो टू वे हमने अलग अलग वे ले लिए कि R1 और S1, यानी R1 V1 प्लस R2 V2 प्लस डॉट डॉट RN VN बराबर X है, एंड S1 V1 प्लस S2 V2 प्लस डॉट डॉट SN बराबर X है। तो उस कंडीशन में इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो R1 माइनस S1 V1 प्लस R2 माइनस S2 V2 प्लस डॉट डॉट RN माइनस VN इक्वल टू ये हो गया। अब ये चूंकि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये टर्म जो है वो जीरो होनी चाहिए। R1 माइनस S1 है, R2 माइनस S2 ये जीरो होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि R1 बराबर माइनस S1 इक्वल टू 0, यानी कि R1 बराबर S1। तो इस तरह से जो है R1 S1 R2 S2 जो है वो एक अलग अलग फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ओनली यूनिक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऐसे कोई दो डिफरेंस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ओनली एक यूनिक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और यूनिक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये हम ऊपर ही देख चुके हैं कि इसका एक ट्रेवल सॉल्यूशन जो होता है वो T1 T2 डॉट 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 TN जो है वो 0 होता है। तो जो यानी कि अब जब एक सॉल्यूशन तो 0 0 वाला अवेलेबल है ही हमारे पास, और दूसरा सॉल्यूशन अगर सपोज हमने S1 वाला लिया तो S1 भी R1 यानी कि 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह सारे एलिमेंट जो है वो इसके 0 के अवेलेबल ही होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है जो सेट है जो B1 B2 डॉट डॉट BN जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक थ्योरम है हमारे पास, द सेट B1 B2 डॉट डॉट BN इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द ए, अगर रैंक जो ए है वो एन के इक्वल है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो सेट जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हेल्प से देख सकते हैं, अगर V1 V2 V3 ये हैं तो V बराबर क्या हो गया, V1 V2 V3 ये हो गया हमारे पास। अब इसकी अगर हम रैंक देखें तो रैंक क्या है इसकी, 3। रैंक 3 है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो ट्रेवल सॉल्यूशन होंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर V1 V2 V3 ये है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रैंक जो है वो 2 है, जो कि नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसके हमारे पास सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। और भी तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपली जैसे ए बराबर ये है तो ए एक्स बराबर 0, तो डी बराबर एन माइनस आर, एक जो है वो फ्री पैरामीटर्स है। फ्री पैरामीटर है सपोज X3 बराबर अगर हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी जो प्रीवियस वीडियो से भी बता रहा हूँ उसी तरह से अगर हम वीडियो बनाएंगे सॉरी उसी तरह से हम आप इक्वेशंस बनाएंगे तो यहाँ पे X2 बराबर आ जाएगा हमारे पास -1, एंड X1 बराबर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि X1 प्लस 4X2 प्लस X3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा X1, और ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 1 यानी X1 बराबर आ जाएगा 3। तो एक यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा ये माइनस ये आ जाएगा हमारे पास X2 बराबर जो है वो आया हमारे पास यहाँ पे -1 और ये 2, तो ये आ जाएगा -2। अभी -2 से यहाँ से X1 बराबर चूंकि -2 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया 2 -1 1, तो v बराबर ये वेक्टर है ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन आ गया।
अपने चूंकि एक्स में नॉन जीरो एंट्रीज हैं इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट भी है।